सा डायग्राम समझा था, ट्रिपल टी डायग्राम। उस डायग्राम को समझे देन वी मूव टूवर्ड्स देयर, ठीक है। कि मतलब अच्छा फिर हम इस पर आएंगे कि कंटिन्यूअस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम कैसे बनता क्या होता है, ठीक। अच्छा एक चीज यहाँ पर समझ लो कि जो टीटीटी डायग्राम था, तो यहाँ पर मैंने इस रीजन की बात करूँ, तो यहाँ पर इस पॉइंट इस लाइन को मैंने क्या बोला था कि ये मेरी जो लाइन है ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन बिगिन वाली लाइन है और ये ट्रांसफॉर्मेशन एंड वाली लाइन है। मतलब यहाँ पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन इस लाइन पर आकर क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड हो जाता है, ठीक है। अच्छा इसके बीच में यदि मैं इधर की तरफ बात करूं, तो इस वाले रीजन की बात करूं, इधर वाले रीजन की, ये वाले रीजन की इस साइड बात करता हूं, तो इस वाले रीजन में यदि मैं बात करता हूं, तो मैं क्या बोलता हूं कि यहाँ पर मेरा क्या है, ऑस्टेनाइट है, और वो ऑस्टेनाइट कैसा है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। कैसा होता है बेटा, ऑस्टेनाइट अनस्टेबल होता है, ठीक है। अच्छा और इधर के तो माइक्रोस्ट्रक्चर मैंने बताई थी कि भाई ऑस्टेनाइट, अब पर्टिकुलर के रीजन की बात करूं, यहाँ कैसा मिलेगा, कोर्स परलाइट, यहाँ से यहाँ मिलेगा तो फाइन परलाइट, ये वाले टेम्परेचर पर मिलेगा तो बेनाइट मिलेगा, उसमें भी अपर बेनाइट और लोअर बेनाइट हमने देखा था, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझ लो कि भाई जो भी आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर और किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन रेट है उस पे अल्टीमेटली क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और यहाँ पर नोट करने की है कि भाई यदि आपको कभी भी ये मतलब क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हेन वी गेट द परलाइट स्ट्रक्चर या परलाइट आपको कब मिलेगा, ठीक है, तो इट इज बिटवीन 723 डिग्री सेल्सियस टू मतलब 550 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब इससे नीचे उल्टा चल रहा हूँ, ठीक है। तो 723 डिग्री सेल्सियस से 550 डिग्री सेल्सियस का ये जो जोन है, मतलब ये यहाँ तक होता है लगभग, ये जो टेम्परेचर है 450 वाला होता है, इसके लगभग थोड़ा सा पास है, ठीक है। तो 550 डिग्री सेल्सियस का जो रेंज है वो आपका परलाइट माइक्रोस्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और उसमें भी दो रीजन है, तो उसमें ये जो रीजन है ये डिफाइंड बोल सकते हैं कि भाई 723 से, ये वाली लाइन जो है 723 से आप ये बोल सकते हो कि 650 तक, और 650 से 550 तक जो लाइन है वो फाइन परलाइट की लाइन है, क्लियर है। तो ये कौन है भैया, जॉनी भैया, आई एम नॉट इंटरटेनिंग, जॉनी भैया कौन है ये, ठीक। और फिर यदि मैं बेनाइट की बात करूं, तो ये जो बेनाइट है, दैट बेनाइट इज आई एम गेटिंग 552 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब इन सर दोनों जेनी रीजंस को के नंबर ले बीच में लीजिए। मिलेगा आपको, क्लियर है। तो जॉनी भैया के नाम से आया वो, जॉनी भैया के नाम से आया क्या? पता नहीं सर। हाँ तो उस बोलो उसके खुद के नाम से लॉगिन करे वो, ठीक है। हाँ जयदीप को तो ले लिया, ये जॉनी भैया को आया था, आई डोंट नो कौन था, ठीक है। और इसमें भी 550 टू 250 डिग्री सेल्सियस की मैं बात करूं, तो अपर बेनाइट जो है वो मिलता है आपको 550 डिग्री सेल्सियस से लेके 350 डिग्री सेल्सियस तक, और 350 टू 250 डिग्री सेल्सियस तक आप बोल सकते हो कि ये आपको मिलेगा अपर बेनाइट, और इसके नीचे मिलता है आपको लोअर बेनाइट, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ये जो रेंज है, इस रेंज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे तो 100 100 डिग्री सेल्सियस तक ही आपको बोला जा रहा है कि ये इस तरह से मिलेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और है कि मैंने इससे जो प्रीवियस डायग्राम ट्रिपल टी डायग्राम बताया था उसमें मैंने मार्टिन साइट का डिस्कशन नहीं किया था, ठीक है। ये जो जोन देख रहे हैं कि ये इस रीजन को, ये वाला जो जोन है इसको आप बोलते हो नोज, ठीक है। ये क्या कहलाता है, इसका नोज कहलाता है, इसका नोज ऑफ ट्रिपल टी डायग्राम, ठीक है। तो ये नोज है ट्रिपल टी डायग्राम का, और इस नोज की मैं यदि बात करूं, तो मतलब यदि आपने इसका जो कूलिंग रेट है, तो ये जो नोज है ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल, मतलब ये मेरा क्रिटिकल कूलिंग रेट होता है, ठीक
ठीक है। अब क्रिटिकल कूलिंग रेट क्या होता है उसको भी हम आगे समझ रहे हैं जब कंटिन्यूअस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम बताऊंगा तब। तो क्रिटिकल कूलिंग रेट मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि 50 डिग्री सेल्सियस पर सेकंड, मतलब इतनी जल्दी जल्दी क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो 15 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस पर सेकंड यदि हम क्या कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को कूल कर रहे हैं, देन वी कैन से कि ये मेरा क्या है, क्रिटिकल कूलिंग रेट है, ठीक है। तो क्रिटिकल कूलिंग रेट से यदि मैं ज्यादा जल्दी कूल करता हूं तो देन आई गेट दिस मार्टेनसाइट, ठीक है, तब मुझे मार्टेनसाइट मिलना स्टार्ट होता है। अदरवाइज यदि मैं इधर की तरफ जाऊंगा तो मुझे मार्टेनसाइट नहीं मिलता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझ लो कि यहाँ पर जैसे मान लो कि ये मेरा परलाइट है, तो यहाँ पर बीच वाले रीजन में क्या होगा, परलाइट प्लस ऑस्टेनाइट, और सॉरी ये मेरा ऑस्टेनाइट था तो ऑस्टेनाइट, और यहाँ पर इस वाले जोन में इन दोनों के बीच में क्या होगा, परलाइट प्लस ऑस्टेनाइट, और इधर मेरा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा परलाइट। यदि मैं यहाँ पर इस जोन की बात करूँ तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर तो आपका ऑस्टेनाइट ही है, लेकिन इस वाले जोन में आप क्या बोल रहे हो, बेनाइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परलाइट प्लस बेनाइट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा बेनाइट हो जाएगा। ये क्लियर है, मतलब ये बीच वाले जोन को भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई इस वाले बीच वाले जोन में आपको क्या मिलेगा। यदि मैं ऊपर की बात करूं तो आपको परलाइट प्लस ऑस्टेनाइट मिल रहा है, नीचे की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर सॉरी ऑस्टेनाइट प्लस बेनाइट होगा, दैट इज ऑस्टेनाइट प्लस बेनाइट, एंड हियर आई एम गेटिंग आफ्टर दिस, ये मेरा एंड है, तो एंड के बाद आपको ऑस्टेनाइट प्लस बेनाइट मिलेगा। क्लियर है, चलिए। तो अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम की कि भाई कंटिन्यूअस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है और कंटिन्यूअस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन का जरूरत क्या है, पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, तो जो मैंने ट्रिपल टी डायग्राम बताया था इससे पहले उसमें ही आप ये इसको ब्रीफ करना चाहें तो ब्रीफ इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब आपको जितना भी इसको इलाबोरेट करना है आप अपने अकॉर्डिंग इलाबोरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये टेम्परेचर का रेंज जरूर ध्यान रखिएगा कि पहले क्या मिलता है, कोर्स परलाइट, फाइन परलाइट, देन बेनाइट। बेनाइट में भी दो मिलते हैं, अपर बेनाइट और लोअर बेनाइट, क्लियर है। और इसको आप क्या बोलते हो, नोज ऑफ द ट्रिपल टी डायग्राम, आर यू गेटिंग दिस। चलिए तो अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम की या सीसीटी डायग्राम की। सीसीटी डायग्राम को यदि समझे तो पहले ये समझ लो कि मार्टेनसाइट की मैंने बात की थी, तो मार्टेनसाइट में जो मैंने यहाँ पे किस हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ ड्रॉ किया था, तो ये मेरा मार्टेनसाइट स्टार्ट वाला लाइन है और ये मेरा मार्टेनसाइट फिनिश वाला लाइन है, ठीक है ना, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था ना ये हॉरिजॉन्टल वाला लाइन, ठीक है। तो ये वाले लाइन को मैं क्या बोलता हूँ, मार्टेनसाइट स्टार्ट और मार्टेनसाइट फिनिश वाला लाइन, क्लियर है। अच्छा एक चीज इसमें ये ध्यान रखिए कि कंटिन्यूअस कूलिंग की यदि मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने जो ट्रिपल टी डायग्राम पढ़ा था या समझा था तो हम उसमें क्या बोल रहे थे कि ये भी मेरा क्या है, नॉन इक्विलिब्रियम डायग्राम है, लेकिन जो कूलिंग रेट है, ठीक है, वो क्या है, बिल्कुल स्लो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने आइसोथर्मल डायग्राम से ही तो क्या बनाया, तो ट्रिपल टी डायग्राम बनाया, आपने क्या बोला कि 705 डिग्री सेल्सियस पर आपने उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या कर दिया, कोई भी सॉल्ट बाथ था, आपने सैंपल लिया और 723 डिग्री सेल्सियस पर उसको आपने फर्नेस में रखा, फर्नेस के बाद फिर आपने उसको 105 डिग्री सेल्सियस पर किस में रखा था, सॉल्ट बाथ में रखा था, और फिर उसको सॉल्ट बाथ में कुछ टाइम के रखने के बाद, ये जब उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद, फिर आपने उसको क्या किया था, एयर कूल या वाटर कूल किया था, ठीक है, और रूम टेम्परेचर पर उसको कूल कर दिया था, ठीक है। तो यदि आपने आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम नहीं समझा है तो प्लीज आप उसको समझिए, क्योंकि वो इस पूरे ट्रिपल टी या सीसीटी डायग्राम का क्या है, बेसिक है, ठीक है। अच्छा तो कंटिन्यूस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम की बात करें तो ऑस्टेनाइट से परलाइट, परलाइट हमको क्या मिलता है, एक टेम्परेचर रेंज में मिलता है जिसे हमने भी समझा, ठीक है, और वो भी कैसा मिलता है, आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू मिलता है। लेकिन यदि हम क्या करें कि हमारा जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, अब वो ट्रांसफॉर्मेशन का जो रेंज है, क्योंकि उसमें हम क्या कर रहे थे कि 67 मिनट तक या 50 मिनट तक हमको उसको क्या करना पड़ रहा था, कूल करना पड़ रहा था, ठीक है। लेकिन यदि मैं उसी को क्या कर दूं कि चेंज करना चाहता हूं, मतलब हम उसको क्या करें कि भाई और आगे बढ़ाना चाहते हैं, मतलब उसको कूल करना का रेट जो है वो कूल करने का रेट बढ़ाना चाहते हैं, देन वी मूव टुवर्ड्स द सीसीटी डायग्राम, ठीक है। अच्छा सीसीटी डायग्राम होता कैसा है वो समझ लो पहले, फिर हम उस पर आते हैं, ठीक है। तो जैसे मेरा ट्रिपल टी डायग्राम था उसी तरह का सीसीटी डायग्राम भी होता है, ठीक है, देयर इज नो चेंज एट ऑल, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है, लेकिन केवल एक लाइन केवल वहां पर मैं चेंज करूंगा, उस लाइन को आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
चलिए तो ट्रिपल टी डायग्राम को समझते हैं, सीसीटी डायग्राम को समझते हैं। यू कैन ड्रॉ अलोंग विद मी। तो ये आपका 723 डिग्री सेल्सियस वाला लाइन हो गया एज यूजुअल, जिसे हमने पहले भी ड्रॉ किया था, ठीक है। फिर हमने बोला कि ये मेरा वही लाइन हो गया जो हमने पहले ड्रॉ किया था। ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट, ट्रांसफॉर्मेशन बिगिन, जिसको हम बोलते हैं, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन फिनिश वाला लाइन है आपका, ठीक है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया कि जो आपका रेंज था, मतलब आपने अल्टीमेटली क्या किया कि यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि ये आपका मार्टेनसाइट आपको इस तरह से यहाँ पर मिलता है, ठीक है ना। मैं उस वाले की बात अभी थोड़ी देर के लिए नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, समझो। तो ये मेरा मार्टेनसाइट स्टार्ट है और ये मेरा मार्टेनसाइट फिनिश है, ठीक है। तो ये भी मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर रेंज की। तो ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है, तो ट्रांसफॉर्मेशन टाइम, ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है जो कि मैं यहाँ पर सेकंड में लिख रहा हूँ, और इधर एज यूजुअल मेरा क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। ठीक है, तो ये एंड कहाँ हो जाता है, इट इज इट एंड्स अराउंड, तो ये मैं मार्टिन साइड वाली लाइन अभी यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वन मिनट, आपको यहाँ पर पूरा क्लियरिटी आ जाएगा मेरे साथ साथ ड्रॉ करके। चलिए आप, तो ये हो गया आपका 220 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हो चाहो तो, या 200 डिग्री सेल्सियस भी लिखोगे तो भी ठीक है, ठीक है। अब कंटिन्यूस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम भी जैसा ये डायग्राम है वही डायग्राम होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज क्या है वो समझ लो, ठीक है। और फिर इसी डायग्राम को मैं रिलेट करूंगा। तो जो आपका सीसीटी डायग्राम है वो सीसीटी डायग्राम भी इसी का रिप्लिका है, बट इट इज अबो दी नोज, मतलब ये केवल देखो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होना इसी के लाइन के अराउंड अलॉन्ग होता है, ठीक है, और ये जाकर कहीं इस तरह से यहाँ पर एंड होता है। देन वी मूव टूवर्ड्स दी, अब इसको आप डैश लाइन से बनाइएगा। डैश लाइन से बनाने का रीजन ये है, बीच में बीच वाला जो लाइन है यहाँ पर, इसमें डैश से बनाइएगा, ठीक है ना, बीच में यहाँ पर एक एंड चल रहा है। उसके बाद अगेन ये इस तरह का बनेगा, ठीक है। बस इसको दूसरे कलर से बनाने की कोशिश करिएगा यदि आपके पास दो पेन है तो, ठीक है। तो ये इस नोज के नीचे नहीं होता सीसीटी डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑस्टेनाइट टू परलाइट बिगिन होता है, ठीक है, फिर ये आपका जो ये लाइन है, वन मिनट, ये जो लाइन है, दिस लाइन सिग्निफाइज ऑस्टेनाइट टू परलाइट, ऑस्टेनाइट से परलाइट में चले जाता है, और इसको आप ऑस्टेनाइट टू परलाइट बिगिंस बोल सकते हो। तो यहाँ पर ये लाइन स्टार्ट वाली लाइन है, ठीक है, कंटिन्यूस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है, ठीक है। और ये जो लाइन है इधर की तरफ ये जो बना है, ये वाला लाइन, ठीक है, तो ये वाला लाइन आपका ऑस्टेनाइट टू परलाइट एंड है। अभी केवल आप डायग्राम समझ लो, फिर मैं इसी पर आ रहा हूं। और ये जो बीच वाला रीजन है, ये वाला, इसको आप डैश से बनाइएगा, तो ये जो डैश वाला रीजन है, इस वाले रीजन में आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन पूरा लिख लीजिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी स्टॉप, ठीक। तो अच्छा, ये होता कैसे है ये समझ लो। तो लेट्स से कि मैंने इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं, मैं इसको कूल करता हूं, लेट्स से कि माइनस 12 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड, ठीक है। मतलब माइनस का मतलब ये हो गया कि आप उसको क्या कर रहे हो,
ठंडा कर रहे हो, ठीक है। तो -12 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड, ठीक है। इसी तरह से यदि आप उसको 15 डिग्री सेल्सियस से करते हो तो ये अगेन आगे की तरफ इधर बढ़ते जाएगा। तो ये कर्व है 15 डिग्री सेल्सियस, माइनस लगा सकते हो आप, पर सेकेंड, ठीक है। और यदि मैं और इसको इंक्रीज करते जाता हूँ तो इट इज गोइंग टू बी हियर। ये देखो, ये कर्व का ध्यान रखिएगा। तो ये कर्व कहाँ पे, मैंने इसको कहाँ से बनाया है, ये कर्व बना है, मेरे पास अच्छा दो पेन नहीं है, ये वाला जो कर्व है, ये वाला जो एंड वाली लाइन है, इससे जा गया है, ठीक है। और ये जो मैं 120 डिग्री वाला लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये वाला, ये जो कंटिन्यूस कूलिंग कन्फर्मेशन वाली लाइन थी, जो ये डैश लाइन स्टार्ट हुई थी, यहां से बना रहा हूँ, समझ आ रही बात, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस पर सेकंड, ठीक है। मतलब इतना जल्दी जल्दी हम उसको क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हमको मिलेगा क्या, वो भी मैं बता रहा हूँ। एक और लास्ट, दैट इज 540 डिग्री सेल्सियस पर सेकंड, ठीक है। मतलब हम इतना इसको जल्दी जल्दी क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपने डायग्राम बनाया है, तो आप इसके कुछ नोटेशंस चाहें तो लिख सकते हैं कि ये जो सबसे डार्क लाइन है, इसको चाहो तो अगेन एक बार और ड्रॉ कर दो। ये सबसे जो डार्केस्ट लाइन है, दिस लाइन इज शोज योर आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम, जो हमने ट्रिपल टी डायग्राम बनाया था वो, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये ब्लैक कलर में मैंने बनाए हैं, वो आपका कूलिंग डायग्राम है, ठीक है। और ये जो डैश वाली लाइनें हैं, ठीक है, ये वाले डैश वाली लाइन, ये सारी क्या है, कॉन्स्टेंट रेट ऑफ कूलिंग कर्व डायग्राम है, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर मैंने नहीं लिखी है, पिक्चर में इसलिए नहीं लिखी क्योंकि मुझे यहाँ पर रेंज का ये जो है, उसमें सही से मैं मार्क नहीं कर पाता, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। तो आप ये लिखिए कि यदि मैंने ये वाला जो जोन है, ये वाला, ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब टाइम लिख रहा हूँ, तो ये मेरा टाइम हो गया अराउंड 10, उसके बाद 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4, ठीक है। तो ये आप चाहो तो इधर इसको क्लोज कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। 10 to the power ये 1, और ये जो जोन है, ये हो गया आपका ये वाली लाइन के अराउंड, यहाँ पर आएगा 1, ठीक है। और इधर आ जाएगा आपका 0.1, और ये आ जाएगा 0.005, ठीक है। अब समझो, तो ये जो ये लाइन है, इस लाइन के आगे आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट स्ट्रक्चर इज परलाइट। तो परलाइट यदि मैंने बोल दिया, तो ऑब्वियस है कि आपको पता है कि ये क्या होता है, सॉफ्टर होता है, ठीक है, सॉफ्टर एंड कोर्सर, मतलब इसके जो भी ग्रेन बाउंड्रीज होगी वो बड़ी बड़ी होगी, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो बीच वाला जोन है, इस जोन में आपको मिलता है, मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप यहाँ पर यदि आपके पास स्पेस हो तो आप यहाँ भी लिखते हैं, तो यह आपका मार्टिन साइट में, छोटे थोड़ा सा कोशिश करिएगा समझने की, तो ये मेरा है मार्टिन साइट प्लस परलाइट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये 12 डिग्री सेल्सियस और 15 डिग्री सेल्सियस वाला लाइन, इसके आगे पूरा परलाइट, 12 और 15 और 120 वाला ये लाइन है, इन दोनों के बीच में मार्टिन साइट प्लस परलाइट, ठीक है। और इसके पीछे, मतलब यदि मैं इधर की तरफ चलता हूँ, तो ये वाले जोन में पूरा आपको मिलता है मार्टिन साइट, समझ गए। इसमें ये जो ग्राफ था, ये लाइन मैंने इसको टच करती हुई पास की थी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि ऐसा नहीं कर रहे हो, मतलब आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका फाइनल माइक्रो स्ट्रक्चर आपको इस तरह से मिलता है, ठीक है। तो इसके बाद जब भी इधर की तरफ मैं आऊंगा, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, मार्टिन साइट मिलेगा, क्लियर है। इससे प्रीवियस डायग्राम में, इसमें प्रीवियस डायग्राम में हमने कहीं पर भी ये रेट की बात नहीं की थी, भाई इतना जल्दी जल्दी हम इसको कूल करेंगे तो हमको उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अलग अलग यहाँ पर
कितना जल्दी कूल कर रहे हैं, 1 सेकेंड में 12 डिग्री सेल्सियस डाउन हो रहा है, यहाँ पर कितना जल्दी 15 डिग्री सेल्सियस डाउन हो रहा है, यहाँ पर कितना 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसी को जब यदि मैं अलग अलग रीजन या अलग अलग तरह से मैं इसको कूल करता हूँ, अलग अलग तरह से कूल करता हूँ से मतलब है कि आप अलग अलग मीडियम का यूज करते हैं कूलिंग के लिए, ठीक है। तो अलग अलग मीडियम का यदि आप यूज करते हैं कूलिंग के लिए, तो आपको ये स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पर बताया है, ठीक है, मतलब आपको ये लग रहा होगा कि सर ये टेम्परेचर क्या अपने आप बढ़ेगा या अपने आप इसका रेट इस तरह से आएगा, नहीं, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि हम किस मीडियम में उसको कूल कर रहे हैं। जैसे मैंने मान लो कि उसको फर्नेस कूल कर दिया, या मैंने मान लो कि उसको वाटर कूल कर दिया, या ऑयल में डाल दिया, या आप ऐसा बोलो कि किसी और मीडियम में, या साल्ट बाथ में डाल दिया, ठीक है। तो इन दैट पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं कि हर एक का अपना अपना क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेट होगा कि भाई आप उसको किस तरह से किस मीडियम में क्या कर रहे हो, कूल कर रहे हो, क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू दैट क्विंचिंग, मतलब अकॉर्डिंग टू हम उसको जैसे भी कूल करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम माइक्रोस्ट्रक्चर क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो मैं इसी में एक नया, मतलब इसी में एक नया डायग्राम बना रहा हूँ ताकि उससे और आपको क्लियरिटी आए कि ये जो मैंने यहाँ पे ये जो लाइन्स आपको 12 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, -120, -540, तो ये जो लाइन्स आपको ड्रॉ करके दिखाई है या समझाई है, तो ये कैसे आ रही है या किस मीडियम में कितनी आएगी, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिएगा। डायग्राम मेरा वही रहेगा ऑलमोस्ट जैसा मैंने पहले ड्रॉ किया है भाई, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है इसमें, ठीक है। वो क्या चेंज है उसको देखते हैं हम। तो ये मेरा एज यूजुअल 723 डिग्री सेल्सियस वाला लाइन है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर कहीं बात कर दो आप, ठीक है, तो ये मेरा 700 हो गया, 600, 500, 400। इससे प्रीवियस वाले में भी इसी तरह से आप टेम्परेचर मार्क कर सकते हैं, 300, 200, और ये हो गया आपका, ठीक है। चलिए, तो और वही आपका यहाँ पर जो इधर की तरफ क्या होगा, टाइम होगा 0.1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 10 सेकेंड, 10 to the power 2 सेकेंड, 10 to the power 3 सेकेंड, 10 to the power 10 to the power 4 सेकेंड, 10 to the power 5 सेकेंड, ठीक है ना। चाहो तो आप 10 to the power 5, और एक तो है 5 into 10 to the power 5, ठीक है, यहाँ से भी ड्रा कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो इस तरह का एक बॉक्स चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है। अब समझो, तो मैंने क्या बोला था कि नोज के बाद आपको सीसीटी डायग्राम नहीं मिलता, तो ये 500 और 400 के बीच में कहीं आता है, तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन होगी, ठीक है, तो ये 10 के अराउंड आती है, 1 और 10 के बीच में कहीं आएगा। तो ये जो डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे, तो इस तरह का डायग्राम मिलता है आपको सीसीटी की बात कर, ठीक है, ये इस तरह का, ये डैश में मैंने बनाया था, यहाँ पर मैं उसको थिक लाइन से बना रहा हूँ, चाहो तो डैश से भी बना सकते हो, ठीक है। अब समझिए, तो मैं यदि क्या कर रहा हूँ, कूलिंग कूलिंग जो कर रहा हूँ वो फुल एनीलिंग कर रहा हूँ, मतलब फुल एनीलिंग का मतलब है कि आप उसको, आपने उसको क्या किया, फर्नेस में कूल किया 723 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, और कूल करने के बाद, तो ये मेरा लाइन हो गया लेट्स से 723 बार, ठीक है। इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ बना रहा हूँ ताकि आप समझ पाए कि ऑस्टेनाइट से किसमें कन्वर्ट होगा, परलाइट में, जो भी आपको माइक्रोस्ट्रक्चर चाहिए वो, ठीक है। तो ये सबसे पहला जो डायग्राम आपका, दिस डायग्राम इज शोइंग फुल एनीलिंग, ठीक है। तो फुल एनीलिंग 10 to the power 5 टाइम पे आना चाहिए, ठीक। फुल एनीलिंग का मतलब क्या हुआ कि आपने उसको 723 डिग्री सेल्सियस ऊपर तक गर्म किया, और गर्म करने के बाद फर्नेस में ही उसको, फर्नेस को स्विच ऑफ कर दिया। तो फर्नेस को स्विच ऑफ कर दिया से मतलब क्या है,
कि आप उसको धीरे 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 कूल कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फुल एनीलिंग, समझे, ठीक है, फुल एनीलिंग, क्लियर है। और इसमें जो आपको माइक्रो स्ट्रक्चर मिलता है, दैट माइक्रो स्ट्रक्चर इज कोर्स पर लाइट, कैसा, कोर्स पर लाइट माइक्रो स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर उसके बाद यदि मैं स्टार्ट, सारे कर्व यहीं से होंगे, कुछ इस तरह का यदि कर्व आपको मिलता है, थोड़ा सा कर्व इस तरह, ठीक है। तो ये आपको मैं कूल कर रहा हूं कि आपने उसको गर्म किया कहाँ पर, आपने 723 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया फर्नेस में, करते रहे उसके बाद आपने सीधा उसको सैंपल को उठाया और बाहर रख दिया। बाहर रख दिया मतलब आप उसको कैसे कूल कर रहे हो, एयर कूल कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप उसको एयर कूल करते हो तो उस प्रोसेस को मैं बोलता हूँ नॉर्मलाइजिंग, आर यू गेटिंग दिस, ठीक है। और ये 10^4 वाली लाइन के अराउंड आना चाहिए। और इस केस में जो आपको माइक्रो स्ट्रक्चर मिलता है, दैट इज फाइन पर लाइट, ठीक है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई फुल एनीलिंग में आपको माइक्रो स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा, तो आप ये देखो कैसा मिलेगा, कोर्स पर लाइट, और नॉर्मलाइजिंग में आपको माइक्रो स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा, फाइन पर लाइट, आर यू गेटिंग दिस, ठीक है। फिर मैं आगे और बढ़ता हूँ, फिर मैंने कूल तो वही मीडियम से ही कर रहा हूँ, बस मेरा जो चेंज है वो थोड़ा सा आ गया कि भाई कुछ इस तरह से कूल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो कूलिंग है, दैट इज ऑयल क्वेंच, मतलब आपने कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ऑयल को गर्म रखा, और गर्म रखने के बाद फिर आप उसको क्या कर रहे हो, क्वेंच कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो ऑयल क्वेंच है, दैट ऑयल क्वेंच इज अराउंड ये 10^3 के आसपास आना चाहिए इसको, ठीक है। तो इसमें जो आपको स्ट्रक्चर मिलता है, दैट स्ट्रक्चर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मार्टेनसाइट प्लस परलाइट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है। कब कब कॉम्बिनेशन मिलता है बेटा, जब आपका ऑयल चेंज करेंगे तब, तो क्लियर है। उसके बाद यदि मैं बात करूं, उसके बाद यदि मैं बात करता हूं कि भाई आपको जो स्ट्रक्चर है, यदि आप इस क्रिटिकल कूलिंग रेट पर करते हैं, ठीक है, तो क्रिटिकल कूलिंग रेट पे करते हैं तो उस केस में क्या होता है, ठीक है। ये आपका क्रिटिकल कूलिंग रेट है, मे बी आप इसको वाटर भी, वाटर कूल कर रहे हो या सॉल्ट बाथ क्वेंच कर रहे हो, ठीक है। सॉल्ट बाथ मतलब आपने पानी और नमक का सॉल्यूशन बना के उसमें क्वेंच कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका क्रिटिकल कूलिंग रेट है, ठीक है। और इसमें जो माइक्रो स्ट्रक्चर मिलता है, इट इज अराउंड पूरा का पूरा, आप ऐसा तो नहीं बोल सकते कि मार्टेनसाइट ही होता है, बट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मार्टेनसाइट प्लस सम अमाउंट ऑफ रिटेन्ड ऑस्टेनाइट, मतलब कुछ अमाउंट में ऑस्टेनाइट भी यहाँ पर क्या हो जाता है, बच जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्टेनसाइट प्लस रिटेन्ड ऑस्टेनाइट। रिटेन्ड ऑस्टेनाइट क्यों, क्योंकि उसका हो सकता है बाहर की तरफ तो पूरा का पूरा मार्टेनसाइट बन गया हो, लेकिन अंदर की तरफ जो है, मतलब अंदर इन द सेंस कि एक भी कोई भी सैंपल है, लेट्स से सर्कुलर है, तो उसका जो सेंटर होगा वहां पर वो ऑस्टेनाइट मार्टेनसाइट में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो मार्टेनसाइट प्लस रिटेन्ड ऑस्टेनाइट कुछ अमाउंट में यहाँ पर बच जाता है, ठीक है। फिर यदि मैं इस क्रिटिकल कूलिंग रेट से और आगे बढ़ता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर तो आपको पूरा का पूरा क्या मिलेगा, मार्टेनसाइट, ठीक है, ठीक है। और ये जो क्वेंच है, दिस क्वेंच इज टोटली बेस्ड ऑन वाटर क्वेंच, मतलब यदि आप वाटर क्वेंच करते हो तो आपको क्या मिलेगा, मार्टेनसाइट मिलेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर भी कुछ अमाउंट में आपको ऑस्टेनाइट मिलता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऑस्टेनाइट आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आपका स्प्लिट ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, कि मतलब आप क्या कर रहे हो, एक से दूसरा आपको माइक्रो स्ट्रक्चर मिल रहा है, ठीक है, मतलब परलाइट से मार्टेनसाइट में किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और नोट करिएगा कि सबसे जो हार्डेस्ट माइक्रो स्ट्रक्चर है पूरे के पूरे ट्रिपल टी डायग्राम में, वो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट माइक्रो स्ट्रक्चर कौन सा है, मार्टेनसाइट, ठीक है, जो कि आपको कब मिलता है, क्रिटिकल कूलिंग रेट के बाद, ठीक है। तो माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ परलाइट एंड मार्टेनसाइट, कूलिंग रेट फाइन
फास्टर देन द कर्व ऑफ ई, मतलब ये वाला जो कर्व है इस कर्व के बाद यदि आपको आप उससे भी ज्यादा क्या कर रहे हो, कूलिंग कर रहे हो, तो उस रेट को, ये वाले रेट को मैंने क्या बोला, क्रिटिकल कूलिंग रेट, ठीक है। और कंटिन्यूअस कूलिंग डायग्राम आपको क्या डिफाइन कर रहा है, यहाँ पर जो प्लेन कार्बन स्टील था वो प्लेन कार्बन स्टील यहाँ पर ये नोट कर लीजिएगा कि सीसीटी डायग्राम बेनाइट नहीं मिला है, ठीक है। तो बेनाइट स्ट्रक्चर इज ऑल्सो फॉर्म ड्यूरिंग द कंटिन्यूस कूलिंग, पर उसका हमने कहीं यहाँ पर जिक्र नहीं किया, ठीक है। मतलब वो भी होता है पर ये हमारे सिलेबस से बाहर की बात है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यदि हम समझे कि भाई नॉर्मली एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग क्या होता है, ठीक है, तो वो उसको समझने के लिए पर ये डायग्राम हमारे लिए क्या है, मोर देन सफिशियंट है कि भाई ये जो यदि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने 123 डिग्री सेल्सियस मतलब अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन से यदि ऊपर की तरफ उसको गर्म किया, मतलब उससे ऊपर क्या मिलेगा आपको, ऑस्टेनाइट मिलेगा। और ऑस्टेनाइट के बाद यदि आप उसको क्या कर रहे हो, सडनली क्वेंच कर रहे हो, ठीक है। आप क्वेंच मतलब कैसे, यदि आपने उसको क्या किया, अलग अलग मीडियम, क्या क्या मीडियम दिए मैंने, यदि मैंने उसको फर्नेस में ही रहने दिया तो मुझे क्या बोल रहा हूँ मैं उसको, एनिलिंग, ठीक है। मैं यदि उसको एयर में डाल दिया, मतलब उस 723 डिग्री वाले सेल्सियस वाले सैंपल को उठाकर सीधा कहाँ रख दिया, एयर में रख दिया, बाहर की तरफ रख दिया, तो उस प्रोसेस को मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉर्मलाइजिंग, ठीक है। फिर यदि मैंने ऑयल क्विंच किया तो उस केस में आपको क्या मिल रहा है, मार्टेनसाइट प्लस परलाइट, ठीक है। यदि मैंने क्रिटिकल कूलिंग रेट पर किया है तो वो आपको मार्टेनसाइट ही मिलता है, ठीक है। तो मार्टेनसाइट और कुछ अमाउंट में आप परलाइट भी बोल सकते हो, रिटेन ऑक्साइड भी बोल सकते हो, ठीक है। फिर यदि मैं क्रिटिकल कूलिंग रेट से और ज्यादा क्विंच, ज्यादा रेट पर यदि कूल करता हूँ तो मैं उसको वाटर क्विंच करता हूँ, और उसमें जो माइक्रो स्ट्रक्चर मिलता है वो क्या होता है आपका, वो आपका क्या होता है, मार्टेनसाइट, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा आप कि भाई किस तरह से आपको सारे के सारे माइक्रो स्ट्रक्चर आपको मिलता है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप मुझे बता दें कि आपको कोई डाउट या क्वेरी अराइज हो रहा हो कि भाई सर हमको एक क्रिटिकल कूलिंग रेट, कंटिन्यूस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन रेट डायग्राम आपने जो बताया कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो वी गो